कक्षा 11 के छात्र हैं, आपका भी केमिस्ट्री का एग्जाम है तो लेकर आ चुके हैं इसका सब्जेक्टिव प्रश्न, ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं, आप लोग जाकर देख सकते हो। ये बिल्कुल वायरल प्रश्न पत्र होने वाला है, ठीक है। रियल प्रश्न पत्र आपको मॉर्निंग में मिल जाएगा, 6 बजे से पहले तक मिल जाएगा आपको, आप चैनल पर से आकर देख सकते हैं। ये वायरल प्रश्न पत्र होने वाला है, ठीक है। देखिए इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप पर आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा उस पर भी क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। बॉय और गर्ल के लिए दोनों के लिए अलग अलग ग्रुप वहाँ पर प्रोवाइड है, ठीक है, दोनों के लिए सेफ ग्रुप है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, इसका आंसर डायरेक्ट आपको मिल जाएगा हमारे ग्रुप में है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। एक नंबर को क्वेश्चन दिया आक्सीकरण क्या है, दो नंबर क्वेश्चन दिया है अपचयन को परिभाषित करना है, अपचयन अभिक्रिया क्या है दिया है, आक्सीकरण अवस्था से आप क्या समझते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 5 × 10 क्वेश्चन दिया है, 5 × 10 क्वेश्चन दिया है, आपको हल करना है सिर्फ 5 क्वेश्चन को, 10 क्वेश्चन में से हल करना है सिर्फ 5 क्वेश्चन को, ठीक है। 5 के लिए 2 अंक निर्धारित है तो फिर 5 × 10 नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। 5 × 10 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, उदाहरण के साथ आक्सीकारक को परिभाषित करें, उदाहरण के साथ अपचायक को परिभाषित करें। 7 नंबर क्वेश्चन दिया अपघटन अभिक्रिया क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन दिया समानुपाती अभिक्रिया क्या है, इसको भी सिद्ध कर देना है, कोई 5 का ही जवाब देना है, ठीक है। आक्सीकरण संख्या में अवधारणा की सीमाएं क्या होती है, इलेक्ट्रोड क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रोड और कैथोड देता है, तो इलेक्ट्रोड क्या है, तो आयरन की वो छड़ी होती है, उसको अच्छे तरीके से लिख देना है, हम आपको इसका आंसर ग्रुप में डाल दिए, ठीक है। देखिए यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो रहा है, दीर्घ उत्तरीय में दिया आक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के बीच अंतर स्पष्ट करना है। देखिए यहाँ पर 5 प्रश्न दिए हैं जिनमें से किसी 3 ही का जवाब देना है, तो 5 दिए 15 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा, 5 में से केवल 3 ही प्रश्न का उत्तर देना है। अपोपचय अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, उपयुक्त उदाहरण सही समझाना है, रिडॉक्स युग्म को परिभाषित करें, इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच में अंतर स्पष्ट करना है, ये भी आपको आता है। डैनियल सेल को चित्र द्वारा समझाना है, रेडॉक्स के नियम को परिभाषित करना है, इलेक्ट्रोड विभव को मानव इलेक्ट्रोड विभव के बीच में अंतर स्पष्ट करके, ठीक है। यहाँ पर निम्नलिखित अभिक्रिया में अम्लीय माध्यम में आयन इलेक्ट्रॉन की विधि लिखना है या संतुलित करना है, ये एक ही होता है तो इसको लिख लेना है, सभी का आंसर हम ग्रुप में डाल दिए हैं।